विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम की देव उठने एकादशी के अवसर पर भक्त बाबा श्याम का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव को लेकर देर रात्रि से ही श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा श्याम की दीदार कर रहे हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने कार्तिक एकादशी पर बाबा श्याम के दरबार को आकर्षक सजाया है व बाबा श्याम का अलौकिक श्रृंगार किया गया है। श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन कर खुशहाली की कामना कर रहे हैं। देश के कोने कोने से लाखों श्याम भक्त कतारबद्ध होकर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इसके साथ ही कार्तिक एकादशी के अवसर पर बाबा श्याम के 56 भोग की झांकी सजाकर भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। कार्तिक महोत्सव को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी व भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। संपूर्ण कस्बे में करीब 1000 जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से जन्मोत्सव को लेकर आतिशबाजी नहीं करने की अपील की गई थी, उसके बावजूद भी जन्मोत्सव से पहले ही श्रद्धालुओं ने तोरण द्वार पर देर रात्रि तक जमकर आतिशबाजी की। मंदिर परिसर को ग्रीन और गोल्डन थीम पर सजाया गया है। कोलकाता के कारीगरों ने फूलों से मंदिर के भीतर अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं। सोमवार रात भर खाटू नगरी बाबा के जयकारों से गूंजती रही। खाटू के तोरण द्वार पर देर रात करीब 2 घंटे तक आतिशबाजी भी की गई। बाबा को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए कई श्रद्धालु मावे का केक भी बनाकर लाए हैं। खाटू श्याम मंदिर के मुख्य द्वार को श्रीनाथ जी की थीम पर सजाया गया है। वही खाटू नरेश के दर्शन रात 10 बजे तक लगातार हुए। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम किए हैं। दर्शनों के लिए कुल 14 लाइन चालू है, जिसमें 10 लाइन तो 75 फीट ग्राउंड से सीधे मंदिर की तरफ लाती है, अन्य 4 लाइन मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ से है। इंदौर की रहने वाली खाटू श्याम की भक्त पूजा एक बार फिर 51 निशान अकेले लेकर आई है। हर महीने आने वाली पूजा जो निशान लाती है उनका रंग भी मोर पंख के नीले रंग जैसा होता है, जिस पर वे इत्र का छिड़काव करती है। उन्होंने बताया कि वे पहली बार 2018 में खाटू धाम आई थी। उस वक्त उन्होंने दोस्तों से हर महीने खाटू नगरी रिंगस से पैदल आने की इच्छा जताई थी। उसके बाद से ये सिलसिला कभी रुका नहीं है। पूजा बताती है 2018 के बाद करीब 7 से 8 महीने तक एक ही निशान खाटू लेकर आई थी। उसके बाद 7 से 8 महीने तक एक साथ 5 निशान लेकर खाटू आने लगी। धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाया और 11, 21, 41 और अब 2 साल से 51 निशान लेकर खाटू दर्शन करने के लिए आने लगी। पूजा ने कहा कि इस जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन्होंने इसकी खुशी भी खाटू बाबा के साथ मनानी चाहिए, तब वे खाटू आई थी। उस दौरान का एक किस्सा पूजा बताते हुए कहती है, जनवरी के महीने में सर्दी काफी होती है। वे सर्द रात में अकेले 5 से 8 डिग्री तापमान के बीच निशान लेकर खाटू पहुंची थी। उस दौरान रिंगस से खाटू आने वाले मार्ग पर लोगों का आना जाना न के बराबर था। रिंगस से शाम को निशान लेकर रवाना हो गई थी, लेकिन रास्ते में अंधेरा था। रास्ते में लोग भी काफी कम मिले थे। रास्ते में कुछ देर के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकी थी, तब वहां के संचालक ने उन्हें दस्ताने दिए थे। वो बताती है कि 2020 में कोरोना के दौरान जब खाटू आना नहीं हुआ तो खाटू श्याम बाबा की कृपा से उन्होंने तस्वीरों पर फ्रेमिंग का काम शुरू किया। वह खाटू श्याम सहित अन्य भगवान की मूर्ति तस्वीर बनाती है। एक तस्वीर को बनाने में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं।
ये कृपा है जी, मैं बहुत समय से आ रहा हूँ और जो कुछ अभी आज हम हैं वो बाबा की देन है और इनके अपने ही मतलब अलग ही ठाट है। और मैं लगातार एकादशी पे बहुत सालों तक आता रहा हूँ और अभी भी जब बाबा बुलाते हैं तो हम बिल्कुल शहर बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और बाबा बिल्कुल वो काम भी करते हैं जो हम यहाँ सोच के आते हैं, जो अपने आप में मतलब एक मिसाल है। और अब जो देवउठनी का आ रहा है बाबा का मेला, उसके पे भी अनुपम रहेगी और फागुन की तो बात ही अलग है ये, जिसमें के शायद पूरा जो हमारा भारत है और पूरा विश्व वो इसमें शामिल होता है। दूर दूर से लोग आते हैं बाबा की महिमा का गुणगान करने के लिए। धन्यवाद।